ओहो, तुम लोग सब आ गए हो। हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा बाबा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? फिर सुनो। एक था राजा। नहीं नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितनी जानवरों की कहानियाँ हैं। आज हम लोगों को जानवरों की कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा। लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना। तो फिर सुनो। बड़े बड़े पेड़ों से भरा था एक जंगल। उस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे और इसी जंगल के वासिंदे थे एक हाथी और एक कछुआ। दोनों एक दोपहर को पेड़ के नीचे बैठे बातें करने में व्यस्त थे। तभी ओहो, इतने साल इस जंगल में कट गए पर इस बार की तरह गर्मी पहले कभी नहीं देखी, है ना कछुआ भाई? सही बोला ना? ठीक कहा गजराज, बहुत गर्मी है इस साल। गर्मी तो सही ही नहीं जा रही। हाँ, प्यास तो बहुत लगती है, चलने फिरने में ही पसीना आ जाता है। हाँ सही कहा, हिलने डुलने का भी मन नहीं करता। ऐसे ही बातें चल रही थी दोनों दोस्तों में और तभी वहाँ हुआ एक खरगोश का आगमन। उसके बाद अरे रे ओ खरगोश, ऐसी गर्मी में कहाँ जा रहे हो भाई? क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे इस गर्मी में सबका बुरा हाल है, चलने फिरने का मन नहीं करता और तुम टहल रहे हो भाई। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि मेरा शरीर और ज्यादा स्वस्थ रहता है। मेरी तो यही राय है कि आप लोग भी बैठे बैठे बातें ना करें, बल्कि चल फिर लीजिए थोड़ा, इससे शरीर अच्छा रहेगा। अरे 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 अरे, क्या कहा तुमने? सिर्फ बैठे बैठे बात करते रहते हैं, उठते नहीं, चलते नहीं, हाँ तुम्हारी ये हिम्मत? ठीक कहा आपने गजराज, इतना दुस्साहस, दो बित्ते का जीव और इतनी बड़ी बड़ी बातें। देखिए आप लोग बड़े हैं, पर बीच बीच में हम जैसे छोटे छोटे प्राणियों से भी कुछ कुछ सीखना चाहिए, समझे? नहीं नहीं, बहुत हो गया, हमारा अपमान और बर्दाश्त नहीं होगा। देख लेते हैं, चलो हरा सकोगे? हरा सकोगे कछुए को दौड़ में? अब तो आपने हंसा ही दिया, कछुआ भैया के साथ प्रतियोगिता। मैं तो रेडी हूँ। ठीक है फिर, कल सुबह यहीं से प्रतियोगिता शुरू होगी और खत्म होगी चार कोस दूर। देखते हैं फिर कौन जीतता है। ठीक है, वक्त पर आ जाऊंगा मैं, तो मैं अभी चलता हूँ। कछुआ दादा, बुरा मत मानना, तुमसे बिना पूछे तुम्हारा नाम दे दिया मैंने रेस में, अब मैं क्या करूँ? वो खरगोश ने इतना दिमाग खराब कर दिया था मेरा। आपने जो किया ठीक ही किया गजराज, जुबा देता हूँ कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। शाबाश, यही तो चाहिए। सुबह मुलाकात होगी। इसके बाद हाथी और कछुआ अपने अपने घर लौट गए। इसके बाद अगली सुबह जैसे ही सूरज भैया बाहर निकले, वैसे ही जिस पेड़ के नीचे से रेस शुरू होने की बात की थी, वहाँ हाथी और कछुआ इंतजार कर रहे थे खरगोश का। कुछ देर बाद खरगोश की एंट्री हुई। हाँ भाई खरगोश, देरी क्यों हुई? अरे मैं सो गया था, उठने में देरी हो गई। तो रेस के लिए रेडी? हाँ हाँ मैं रेडी हूँ। अरे कौवे, तुम रेस जहाँ खत्म होगी वहाँ चले जाओ, तुम देखना कौन पहले जीतेगा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मेरे तीन बोलते ही रेस शुरू होगा। कछुआ भाई, आप रेडी तो है ना? हाँ गजराज। एक, दो, तीन। खरगोश तो तुरंत दौड़ना शुरू करता है और जंगल में आगे निकल जाता है, और कछुआ भाई तो अति धीरे धीरे एक एक पैर चलकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। दोनों बूढ़े तो पागल हो गए हैं। गजराज मैं फिर जाता हूँ रेस की जगह पे, रुको आप। हाँ जाओ जाओ जाओ। कौवा बहुत उड़ने के बाद देखता है कि खरगोश एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सा सो रहा है। क्यों भाई, थक गए क्या? हाँ जरा सुस्ता लेता हूँ और क्या। कछुआ भाई तो अब भी शायद बहुत पीछे होंगे, वो जो चलते हैं ना थप थप करके, छो
छोटे छोटे पैरों से। हाँ सही बोला भाई, सही बोला। चलो भाई मैं चलता हूँ, बताओ कब मिलोगे तुम? 15-20 मिनट में तो पहुँच ही जाऊंगा, थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, आ जाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। खरगोश पेड़ के नीचे बैठा सुस्ता रहा था, पर उसे ठंडी पेड़ की छाया के नीचे कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद भी नहीं पता चलता। इधर कछुआ छोटे छोटे पैरों से चलता रहता है अपने लक्ष्य की तरफ, और अचानक उसकी आंख खुलती है और उसे याद आती है रेस की बात। हरे राम, कब से मैं सो रहा था। कोई ना, रेस तो अभी भी बाकी ही है। लगता है कछुआ भाई अब भी बहुत दूर ही है, निकल लेता हूँ, शायद पहले ही पहुंच जाऊंगा। कितनी ही देर हुई होगी, रेस तो मुझे जीतना है। इसके बाद खरगोश लक्ष्य पर पहुंचते ही आ गया, आ गया, आ गया। अरे तुम पहुंच गए, मुझे लगा तुम तो आ ही नहीं पाओगे। दरअसल थोड़ा सुस्ता रहा था मैं, पता ही था कछुआ भाई से तो पहले ही पहुंच जाऊंगा। तो कछुआ भाई है कितनी दूर है कौवा भाई? अरे तुम्हारी नींद अभी तक नहीं टूटी क्या? सही बोले हो कौवे, उधर देखो कौन बैठा है। हैं? कछुआ भाई आ गए? मैं हार गया हूँ। पंगा मत लेना भैया। Oh, 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 oh